तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि 5-7 दिन से मेरी तबीयत खराब हो रखी है और भी मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो अभी कल डॉक्टर के पास जाना था, एक इंजेक्शन लगवाना था भाई, कल तो मिस हो गया था। अभी एक बार डॉक्टर के पास जा रहा हूँ भाई, इंजेक्शन लगवा लेता हूँ। प्रॉपर तबीयत ठीक नहीं हो रही। ये क्या कर रहा है लेवल है भाई जी? देखो मुँह कैसे कर रहा है भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या सीन हो रहा है इसको। इधर देख। सो गाइस, ये तो पहले ही पहुंच रखी है दोनों। सो गाइस, मोहित अब सपाटे मार के दिखाएगा। अरे क्या हुआ भाई? सर मारा। सर लग गया नीचे। ये क्या? बताओ मोहित जीतेगा या अलबादी भाई? रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी निकलते हैं कुछ खाने पीने। तो गाइस, अभी अपनी डाइट भी आ चुकी है और भाई बादाम रगड़ाई मंगा लिया, अभी खाना पीना खा लेते हैं। भाई पैसे वैसे की जगह तो इनको बच्चों को खाना पीना ही दे दिया अगर। सो गाइस, अभी डॉक्टर के पास तो आ चुके हैं, अभी एक इंजेक्शन और लगवाना पड़ेगा भाई। सो गाइस, ये डॉक्टर साहब भी अपना व्लॉग देखते हैं भाई। धीरे से लगाना इंजेक्शन, ज्यादा पेन मत करना। तो गाइस, डॉक्टर के पास से तो आ चुके हैं और भाई आज तो उसने इंजेक्शन लगाने में काफी ज्यादा पेन कर दिया। और भाई विनीत की भी तबीयत खराब रखी थी, इसको भी एक इंजेक्शन लगाया। जब से ये बाबा वाला सीन चल रहा है, तुम बीमार ही रह रहे हो, कभी विनीत बीमार हो रहा है कभी तू, अब दोनों रहने लग गए। कम से कम भी यार 10 से 15 दिन हो चुके हैं। देख लेना, दवाई वगैरह तो रेगुलर चल रही है, असर ही नहीं हो रहा। अब तुम्हारे टेम्परेचर आज भी जैसे चेक करे, इसने आज भी मिला है। सो गाइस, इस चीज पे तो अभी ध्यान गया, जब से बाबा वाला सीन हो रहा है ना, जब से तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। सोल्यूशन निकाल ले फिर इस चीज का, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। उस बाबा से ही बात करनी पड़ेगी जिस बाबा ने इसका इलाज था ना, ये गंगा में बहाने का। वरना ये देखो यार, डेली इतनी दवाइयाँ लेके आ रहे हैं और ये दवाइयाँ खत्म होने के बाद ये थर्ड टाइम लेके आए हैं, अभी कोई भी असर नहीं हो रहा भाई दवाइयों से। तो पिछली बार भी इंजेक्शन लगा था, इस बार भी। तो भाई अभी तो बाबा जी से बात करी थी, उन्हें बोला कि आज शाम को मिल लेते भाई। इतना बोलने के बाद वो बोले कि चल ठीक है आज देखते हैं, अगर भाई उनका ये टाइम पे खत्म हो गया था वो आज शाम को उनको फ्लैट भी बुला लेंगे। तो भाई लास्ट टाइम फ्लैट से तो निकल के आ चुके थे भाई, पता नहीं फ्लैट जाके देखे फ्लैट का क्या सीन हो रखा हुआ। फ्लैट पे जाकर तो कोई मतलब नहीं बनता भाई, शाम को जब बाबा जी आए ना तभी चलेंगे। सो गाइस, अभी घर तो आ चुके, शाम को मिलते हैं और उन बाबा जी से भी बात कर लेंगे, तब उन्हें लेके चले फ्लैट पे। सो गाइस, अभी मैं भी दवाई लेके रेस्ट कर लेता हूँ। अभी ये देखो, मम्मी डेली कपड़े धो देती है, पूरा ढेर लगा देती है भाई। एक काम कर, खाट पे चढ़ जा और भाई सारे कपड़े खराब कर दे। तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। मम्मी इतने चप्पल मारेगी तेरे, पानी पीना है। सो गाइस, आगे दवाई लेके मैं तो सो गया था, अभी भाई मैंने खिचड़ी खाई और अभी दूध पी रहा हूँ। सो गाइस, नहा दोगे मैं तो रेडी हो चुका, अभी टाइम अभी 6:30 हो रहा, अभी 7 बजने में आधा घंटा बाकी है, तो अभी जल्दी से अभी निकलता हूँ। ये आप लोगों को कल डेविल का इंसिडेंट बताता हूँ, ये भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रखा जब से मैंने इसकी ट्रेनिंग बंद कर रखी है। कल शाम को बूढ़ी दादी बिना बैल बजाए गेट के अंदर आ गई, जैसे ही डेविल को गेट की आवाज आई, ऐसी वही जाती दादी के ऊपर ही जंप लगा दी। भाई साहब, दादी की तो हालत ही खराब हो गई थी, पर भी पंजे वगैरह दांत वगैरह कुछ भी नहीं मारे। तो भैया अभी ये पैम्पलेट लेके आऊँ, ये लगाऊंगा गेट पे, इसको देख के कम से कम बंदों को समझ तो आ जाएगी भाई अंदर एक खतरनाक डॉग बंदा हुआ है। वैसे तो ये सही फ्रेंडली रहता है, किसी को कुछ भी नहीं बोलता, पर भी जो बिना बताए ऐसे घर में घुसाते हैं ना, फिर इसको गुस्सा आ जाता है। तो गाइस, अभी सारे बंदे इकट्ठे तो हो चुके हैं भाई, उन बाबा जी से बात कर लेते हैं। 8:51 हो चुकी है, शाम को बात करी थी मैंने, वो बाबा कह रहे थे कि उनको लेके आना पड़ेगा। कोई नहीं, उन्हें ले आएंगे, जो कुटी है वो थोड़ी दूर है, वो बोलेगी 8-9 बजे के बाद आ जाना, वो कहीं गए भाई। मुझे लग रहा है वो बाबा ने अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे आना। अवॉइड क्यों कर रहे हैं यार भाई? वो कह नहीं रहे थे नेगेटिव एनर्जी दोनों मिक्स हो जाएंगी इस वजह से। सही कह रहा भाई यार, फ्लैट में दिक्कत होगी, ऊपर नीचे क्या पता क्या हो जाएगा। बार फिर से फोन करके बाबा को ले ही आते हैं, थोड़ा और कह देंगे बहुत दिक्कत हो रही है, आज मिला ले एक बार उसके पास, फोन मिला ले। तो दिन में बाबा जी से बोली थी जब तो वो मान नहीं रहे थे, अभी दोबारा से कॉल किया, वो बोलेगी यार थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आ जाएंगे भाई। इतने फ्लैट के नीचे वेट कर लेते हैं भाई? नहीं, फ्लैट के नीचे नहीं जाएंगे,
उस रास्ते पे जाना ही नहीं भाई, यहीं पे बाहर ही रुक जाएंगे, जब बाबा आएंगे ना उन्हीं के साथ जाएंगे, वैसे नहीं। काम करते नीचे तक चले जाएंगे भाई, अभी तो और ब्लॉग भी तो आ गए भाई, कुछ दिक्कत नहीं होगी वहां तक चल लेते भाई। दिक्कत होगी फिर क्या करेंगे यार। तो भाई जब इकट्ठे तो हो गए, एक बार फ्लैट के नीचे जा रहे, अभी फ्लैट के अंदर नहीं जाएंगे जब तक बाबा जी नहीं आ जाते। बाबा को बुला के सारा इलाज करा ही लेंगे भाई। और भाई फ्लैट की क्या हालत कर रखी होगी यार, उसने तो यार कहीं पिछली बार की तरह वो तोड़ फोड़ के नीचे जाके देख लेते भाई क्या हालत है फ्लैट की यार। सो गाइस अभी फ्लैट के नीचे तो आ चुके हैं, अभी बाबा जी का वेट कर रहे हैं, जब वो कॉल करेंगे ना उनको जब लेने जाएंगे। सो गाइस ये देखो सारा फ्लैट भाई, सब पूरा सुनसान पड़ा हुआ, एक भी फ्लैट की लाइट नहीं चली हुई भाई। भाई ऊपर चल के देख एक बार, पागल है क्या यार। ऊपर चल के क्या देखना भाई, बाबा आएगा ना उसके साथ ही ऊपर चलेंगे। भाई जैसे अभी यहाँ से देख रहे कुछ नहीं लग रहा, अभी तो सब शांत लग रहा है। तो पता अभी हम कैसे भाग के आए उस दिन फ्लैट से, मेन गेट से भी नहीं, इमरजेंसी स्टेयर पे से भाग के आए। वीडियो में देखा था मैंने, इसकी मुंडी दिख रही थी हर जगह। ठीक है फिर यही बैठे रहते हैं भाई। मेरे को लगा जैसे ये वाली खिड़की नहीं है, इसके आगे से कोई गया भाई। कोई भी नहीं, लाइट बंद है ऊपर की, लाइट बंद भाई, तो कुछ व्हाइट व्हाइट दिखा भाई। ये देखो सारी लाइटें बंद पड़ी हुई है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा अभी तो। कौन से फ्लैट में दिखा? अपने में भाई, तीसरी वाली विंडो पे। तीसरी वाली विंडो पे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार। दिखा था भाई वैसे, कुछ दिखा हुआ तेरे को यार? नहीं भाई, परछाई लगी थी जैसे एकदम से कोई परछाई गई हो भाई। कहीं वो बाबा की परछाई हो भाई, जैसे वो लास्ट टाइम फ्लैट पे था ना, पक्का कोई दिक्कत करी होगी, ऊपर तोड़ फोड़ तो पक्का मचा दी होगी भाई। तो कुछ भी किया वो बाबा आ जाएगा ना उसी के साथ चलेंगे। यार देख अब भी दिखी भाई। क्या दिखी? यार परछाई दिख रही है जैसे लाइट ब्लिंक हो रही है। लाइट दिख रही है भाई अब तो। अभी तो मना कर रहा था कि ऊपर मत जाओ यार, पक्का कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा यार वो फ्लैट पे भाई साहब। तो बाबा को फोन कर ले यार, जल्दी बुला ले भाई, जल्दी कॉल कर भाई, क्या सीन हो रहा है यार ये। जा तू गाड़ी लेके बाबा को लेने जा, हम यहीं पर रुक रहे हैं। भाई अभी बाबा की कॉल तो आ चुकी है, और बीबी नहीं तभी बाबा जी को लेने गया, हम तीनों भी यहीं पर रुके हुए हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि ऊपर चले जाए। उधर खड़े खड़े काम करते हैं, वहाँ पे चेयर लगी हुई है, बैठ लेते हैं। तो उसको लेने गया कम से कम एक घंटा लग जाएगा भाई। तो भाई जब यहाँ पे बैठे हुए हैं 15-20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, बीबी ने से कॉल पे बात हो रही है, कहीं रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए उसे। ये देखिए इतनी तेज हवा चल गई, देखिए ऊपर की लाइट जल गई भाई। तो सब बंद था बिल्कुल। एक काम करता हूँ भाई, फ्लैट की साइड एक बार देख के आता हूँ मैं। तो भाई हमारी बिल्डिंग में तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं भाई ऊपर जाने का। भाई अपनी बिल्डिंग में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही काफी देर से, भाई थोड़ा सा रिस्क लेके ऊपर ही चल पड़ते हैं। भाई अभी हम तीन बंदे हैं, हम तीनों एक बार ऊपर जाके देख रहे हैं, बड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। पर भी काफी देर से वेट कर रहे थे, बिल्डिंग में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। जैसे पहले लाइट वगैरह ब्लिंक कर रही थी, परछाई दिख रही थी, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो ये पीपल का पत्ता इसमें क्या कर रहा है लिफ्ट में? वो पता नहीं यार, और पूरा ग्रीन है यार, सूखा हुआ अभी नहीं है यार ये तो। चल कोई दिक्कत नहीं है भाई, तीनों साथ रहो। सारी चीजें तो भाई ठीक है, हमें तो लगा कि सारी तोड़ फोड़ कर रखी होगी पहले की तरह। भाई गेट भी खुला हुआ, और मतलब यहाँ पे था भाई वो जो हमने देखा था ऊपर वही बंदा देखा था। विनीत से फोन मिला एक बार जल्दी। यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार, वो मोमबत्ती वगैरह थी लास्ट टाइम, वो भी कहाँ गई? तो गाइस अभी सारे रूम्स वगैरह में देख लिया, कहीं पे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर हमने नीचे पर परछाई देखी थी, कोई घूम रहा था यहाँ पे ऊपर। ये मैंने तो सोचा फ्लैट का पहले की तरह बिल्कुल तहस नहस हो रखा हुआ, पर यहाँ पे तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो रखी, सारी चीज नॉर्मल है। सो गाइस अभी रूम में बैठ के काफी देर हो चुकी है उसका वेट करते हुए, अभी तो वो आया भी नहीं है। विनीत कह रहा है कि 5 मिनट में आ जाएगा वो बाबा को लेके। कितनी देर हो गई हमें वेट करते यार, 1 घंटे से ऊपर हो गए। और भी 5 मिनट हाँ तो चुके भाई। हाँ अभी दो लोग हैं, बाबा भी है साथ में। आ जा भाई जल्दी आ जा। बाबा और विनीत दोनों आ गए भाई। अच्छा भाई ये क्या हो रहा है, कैसी आवाज थी यार भाई साहब ये अचानक कैसे? अब तक तो बिल्कुल ठीक था सब। ओए भाई क्या हो रहा है यार, ये नीचे विनीत और बाबा भी नहीं दिख रहे भाई। ये गेट अचानक कैसे बंद हो गया भाई, ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? भाई गेट खोलने की कोशिश करो भाई साहब, बाहर से कौन बजा रहा है यार? विनीत यार, ये विनीत उसको कॉल कर यार जल्दी, ये विनीत तो ही नहीं आ गया बाहर भाई। क्यों करेगा विनीत? भाई साहब विनीत तो कोई और ही है भाई। तो एक काम करो, कॉल कर एक बार जल्दी यार। फोन मिला उसके पास जल्दी भाई, वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। फोन भी नहीं उठा रहा? नहीं ये खुल भी नहीं रहा यार, क्या सीन हो रहा है यार ये? यार नीचे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा यार। ओए ओए खुल गया भाई ये,
भाई साहब जल्दी उसके पास चल भाई। ओए विनीत इसको क्या हो गया भाई? और भाई वो पापा कहाँ पे? अरे बाद में देखने पापा को जल्दी लेके चले यार। विनीत अभी तक नहीं उठा गया ये। भाई क्या हो गया इसके यार? सुन पापा कहाँ गायब हो गया भाई? गाड़ी गाड़ी में गंगा चला जल्दी से गंगा चल रखा हुआ भाई। भाई जल्दी से इसके ऊपर चढ़ गया भाई। बाबा कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया भाई? पता नहीं यार ये दोनों मेरे को गाड़ी से उतरते दिखे थे और फिर वो सारा सीन हो गया। के बाद तो बस ये बेहोश मिला। अरे तेरे साथ हुआ क्या भाई? तू गाड़ी में कहाँ से आ गया यार? वो बाबा कहाँ हो रहे? तू बता। वो बाबा तेरे साथ आ रहा था ऊपर यार। मेरे को नहीं पता एकदम से यहाँ पे लाइट ब्लिंक करी और एकदम लाइट बंद हो गई। वो वैसे ही फ्लैट पे हो रहा था यार। कितनी आवाज आ रही थी, क्या तोड़ फोड़ कर रहा था? फ्लैट पे ऊपर आया था? नहीं भाई मैं तो मेरे को याद नहीं यहीं पे लाइट ब्लिंक हुई थी और उसके बाद मैं एकदम बेहोशा हो गया था। बाबा कहाँ गायब हो गया यार? घर कहाँ गया वो बाबा? हम कमरे के अंदर लॉक हो गया यार, गेट ही नहीं खुला। ऊपर से लाइट ब्लिंक हो रही थी बार बार यार। वो बाबा आते वक्त ना एक स्टोरी बता रहा था जैसे हमारे साथ हुआ है ना वैसा ही। तो गाइस बाबा ने इसको एक स्टोरी बताई जैसे हम गए थे ना वहाँ पे कुलदार हमारे पीछे पीछे वो आ गया। हमारी तरह एक ग्रुप गया था उनके पीछे भी यही सीन हो गया। बाबा क्या कह रहा था यार? वो जो दूसरा ग्रुप गया था वो उनके पास भी गए थे भाई इलाज कराने के लिए, लेकिन जब तक उनके इलाज का टाइम होना भाई वो गायब हो गए। बॉडी मिली अभी तक? जब पे हमने वो जा खेला था ना वहीं पे सामने एक जंगल था वहीं पे गायब हुए थे भाई। वो भी कहीं वहाँ पे वही जा खेल अम्मी के साथ कनेक्ट हो गया। वो कह रहा है यार दोनों एकदम से गायब हो गए भाई। यार वो बाबा ने बताया तो था कि मैं अगर आऊंगा ना तो दो नेगेटिव एनर्जी अगर इकट्ठी होंगी तो कितनी दिक्कत हो सकती है। मेरे को तो लग रहा है उसी वजह से दिक्कत हुई है। पर तभी दोनों गायब, दोनों ही गायब हो गए यार। काम कर दो पास वाली लोकेशन पे चल के देख ले। क्या बताओ बाबा हमें रहने के चक्कर में बोल रहा हूँ भाई। भाई एक बार उस जंगल में चल के देख लेते हैं यकीन हो जाएगा कि सही सही कह रहा है यार। एक काम करते हैं वहीं चलते हैं कंफर्म भी हो जाएगा। पर भाई हमें कैसे मिलेगी यार वो चीज? उसने कुछ बताया था तेरे को? उसने कुछ नहीं बताया भाई, बस ये बोला जहाँ पे खेला था ना वहीं पे आसपास होगा। जाके ढूंढ के देख लेते हैं, नहीं मिलेगा तो भाई अपने घर निकल लेंगे। यहाँ पे रुकने का तो वैसे ही मतलब नहीं है, क्या पता दोबारा वो चीजें शुरू हो जाए। भाई जब यहाँ से तो निकल रहे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम वही खेला था, एक बार वहाँ पे जाके चेक कर रहे हैं जो भी सारी चीजें बताई वो सारी चीज सच है या नहीं। सो गाइस अभी टाइम देखो 12:29 हो चुकी है। वहाँ पे जाना सेफ रहेगा इस टाइम? इसी टाइम नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिव रहती है। इस टाइम अगर कुछ मिल सकता है तो इसी टाइम मिल सकता है भाई। जंगल तो यार ये लेफ्ट में दिखा रखा है, यहीं पे होगा फिर तो। तो यहीं पे तो खेला था हमने। सो गाइस अभी उसी जगह पे तो आ चुके हैं और भी आस पास तो पूरा खाली ग्राउंड है, सामने जंगल है। और गाइस ये देखो लास्ट टाइम ये ओइजा यहीं पे पड़ा हुआ अभी तक। ओए घर तो फाड़ रखा किसी ने इसको, दूसरा टुकड़ा कहा? ये तो आधा पड़ा हुआ है। तो काम कर लाइट से यार, ढूंढो आसपास कहीं मिलेगा यार। लास्ट टाइम देखा तो ये पूरा था भाई, अब तो ये आधा पड़ा हुआ है। तो अब ये देखो सामने जंगल स्टार्ट हो रहा है। अपन यार क्या बोल रहा था, क्या मिलेगा यहाँ पे? किसी बॉडी वगैरह की बोल रहा था वो। बॉडी मिलेगी? हाँ यार बॉडी इतने बड़े जंगल में कैसे ढूंढेंगे भाई। टाइम देखो 12:42 हो चुकी है। पैर की हड्डी है भाई ये तो। किसी जंगली जानवर की है, किस चीज की है भाई? भाई पता नहीं इंसान की है जानवर की है भाई साहब। यहाँ पे हड्डिया वगैरह क्या कर रही है यार? तो भाई जब भी जंगल में आसपास ढूंढ रहे हैं भाई कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिख रही है यार। कहीं पे कुछ हड्डियां दिख रही है, कहीं पे कुछ दिख रहा है। और भाई वो ओइजा का टुकड़ा ढूंढ रहे हैं, वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा भाई, कहीं कुछ नहीं मिल रहा भाई। एक काम करते हैं चल निकलते हैं अभी यहाँ से। मोहित इधर आ जा, यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी फोन की फ्लैश में भी ज्यादा दूर तक का नहीं दिख रहा। तो भाई अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे दिन में आएंगे। अभी ओइजा का टुकड़ा भाई मिल गया, ओइजा का टुकड़ा मिल गया मोहित। चलिए तो दूसरा पर ये फाड़ा वाड़ा किसने है यार? ये क्या निकला हुआ है यहाँ से यार? डी टाइप लग रहा है भाई ये तो, मिट्टी का ढेर है ये तो, कूड़ा वगैरह होगा भाई। इसको हटा के देख एक बार भाई, कस्सी वस्सी थोड़ी है अपने पास यार। दूसरा वही जगह टुकड़ा कहाँ है? वो पड़ा यार वही है। फाड़ कैसे हो गए यार ये? और फाड़ के वहां पे किसने रख, क्या हो गया भाई? गंगा जल है उसे हाथ वाथ धो लिए भाई। पापा की गर्दन क्या चक्कर है? जल्दी भाई जल्दी निकल गया यहाँ से। मुंडी कहाँ गई यार? भाई जल्दी वापस काम कर यहाँ से, निकल यार जल्दी जल्दी गंगा जल निकाल यार, वो पीछे भी आ सकता है। गाइस अभी वहाँ से निकल के मेन रोड साइड तो आ चुके हैं। साइड में लगा ले यार मेरे गंगा जल से हाथ धुला यार। गंगा जल निकाल ले भाई जल्दी। क्या सीन था भाई वो? कुछ दिक्कत तो नहीं? हाथ धो ले भाई।
भाई अपने ऊपर भी यार। उसकी आंखें चमक रही थी भाई, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन में आग लगी हुई है। बैठो जल्दी गाड़ी में बैठो। मैं तो कह रहा हूं जल्दी घर को निकलो यार। भाई जो उस बाबा ने बोला था वो सारी चीजें सस्ती, प्रॉपर वो कंकाल देखा हमने, जो उसने बॉडी वगैरह का बताया था ना, सारी चीजें वैसी की वैसी मिली। भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा यार, उसकी मुंडी कहाँ से आ गई थी यार वहाँ पे। भाई वो कंकाल जब से देखा ना भाई, वही आंखों के आगे आ रहा है यार। तो भाई जब उन सबको भी उतार दिया था, अभी मैं भी घर साइड जा रहा हूँ, टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है। देखो भाई 1:23 हो चुकी है भाई, ये सारा सीन चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये कैसे ठीक हो, ना किसी बाबा से ठीक हो पा, किसी अगोरी से ठीक हो पा रहा। देखो तो इस चीज के दो ही सोल्यूशन लगते हैं, या तो हमें दोबारा से कुलधारा जाना पड़ेगा, वहीं पर जाके चीजें ठीक होंगी, या तो हमें इसे छुटकारा पाने के लिए मेदिनीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। इन दोनों चीज के अलावा मेरे को कोई और तीसरा सोल्यूशन नहीं लग रहा। तो भाई जी ये देखो वहाँ पे क्या सीन हुआ, एक लाइट जल रही है, ये लाइट अचानक वहाँ पे बंद पड़ गई थी भाई, इस चीज का भी समझ में नहीं आ रहा। अभी घर पे तो पहुंचो, अभी गाड़ी अंदर लगा देता हूँ।